नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना है महाराष्ट्र की राजनीति का। यहाँ भाजपा और शिवसेना के बीच की जो दरार है वो कम होने नाम नहीं ले रहा है। यानी जो पोस्टर वार के बाद जो है अब दोनों के बीच की मनमुटाव के ऊपर जो है काफी इसका परिणाम पड़ा है। इसी में विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा आगे, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय चुनाव, इस पे परिणाम तो असर होगा ही। सर, आप क्या मानते हैं, जो एक तरह से देखा जाए सर, जो परसों जो पेपर में छपा था उसके बाद जो कल छापा उन्होंने और भी उसको तूल पकड़ा दिया कि भाई मेरे से गलती तो हुई थी। मतलब उन्होंने ये दिखा दिया कि मेरे से गलती हुई थी, ये सही है। कहीं ना कहीं तो गलती है सर, मगर वो ये भी बोलते हैं गलती है करके आपको लग रहा है, मगर वो बोलते हैं कि पहला जो ऐड आया तो हमने छापा ही नहीं, हमने छापा ही नहीं, हमको मालूम भी नहीं किसने दिया। एक हितचिंतक ने दिया, उस हितचिंतक का भी नाम नहीं आ रहा है। हितचिंतक का नाम नहीं है, जबकि सर पुलिस यंत्रणा जो है जी सभी अखबार में आया है। तो खाली अखबार को इतना पूछना है जो मैं और आप भी कर सकते हैं, हमको नहीं देंगे वो, पुलिस को देंगे। भाई ये कौन से एजेंसी से आया फलाने, एजेंसी ने क्लाइंट का नाम क्या लिखा है। सर आरओ जो आता है इमीडिएटली सब आ जाएगा सामने, रिलीज ऑर्डर जो आता है ना इसका, उसमें क्लाइंट का नाम देना कंपलसरी है। मेरे ऐड आते हैं मुझे मालूम है। और ये ब्लैक मनी का खेल तो है नहीं, पूरा व्हाइट नहीं, पूरा ड्राफ्ट से दिया हुआ है। सभी जीएसटी लगा होगा, सब जीएसटी से लेके सब कुछ है। तो जीएसटी अगर उसको क्लेम करना है तो उसका जीएसटी नंबर भी आ जाएगा। वो हितचिंतक कौन है? बिल्कुल। तो पहली बात तो ये, फिर हितचिंतक का नाम इतनी बड़ी गवर्नमेंट होने के बावजूद इनको क्यों नहीं मिल रहा है? अगर उन्होंने वो जाहिरात दी नहीं है और वो बोलते हैं हमने दी नहीं जी, तो किसने दी? किसने दी? इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देता है? इसका सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नहीं ना, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? या तो एक्सेप्ट करो कि भाई मैंने किया है। हाँ, मैंने मतलब मैंने किसी को बोला है। हाँ, क्योंकि कैसे है कि जैसे ही एजेंसी का नाम आएगा, एजेंसी के साथ क्लाइंट का नाम आएगा, क्लाइंट के साथ वो जो आदमी है उसका नाम आएगा, उसका जीएसटी नंबर आएगा, उसका डिटेल आएगा, जो इनडायरेक्टली आया भी होगा लोगों के पास, मीडिया वालों के पास, मगर उन्होंने पैसा खाया है ना वो एड का, इसके लिए बोल नहीं रहे। उनको तो डबल मिल गया एड। हाँ, डबल, एक के बदले दो मिल गया। उनको ईमानदारी दिखानी चाहिए कि और बोलना चाहिए कि नहीं ये ऐसा हुआ, उसका तो खबर बनाओ। और दूसरी बात है ये है कि अगर सुबह 7 बजे पेपर आते, 6 बजे आते जी, आपको चलो समझे 9 बजे मिला पेपर, पहले पेज पे ऐड देखा, ये ऐड आपका नहीं है। अभी केसरकर बोल रहे हैं हमारा ऐड नहीं है, बोले कि नहीं? तो तुम्हारा ये भी शंभुराजी देसाई, वो बोले क्या है, हमने ऐड दी नहीं। अगर आपने दी नहीं तो 9 बजे जब आप उठने के बाद, 8 बजे उठने के बाद वो ऐड देखा तो आपको झटका लगना चाहिए और तुरंत मीडिया को फोन जाना चाहिए आपकी ओर से, सीएमओ की ओर से, शंभुराजी देसाई की ओर से, कि भाई ये ऐड हमने दी नहीं है और ऊपर आपने शिवसेना का लोगो डाला है, ये गैर कानूनी है। मोदी साहब का फोटो डाला है वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है, उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। बिना पीएमओ को परमिशन उनका फोटो आप एडवर्टाइजमेंट में नहीं डाल सकते, और ये गवर्नमेंट की ऐड नहीं है, ये पार्टी का ऐड है, वो पार्टी के कुछ है भी नहीं, क्या है वो पार्टी के कुछ, और उनकी ऐड आपको डालो, पीएमओ की परमिशन लो, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम पे उन्होंने दिया है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री, ऐसा दिया है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो भी एक कानूनी मामला बनता है, तो कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि भाई ये किसने दिया है, ये मिश्रोस आदमी है, ये हमको बदनाम कर रहा है, हमारे में आग लगा रहा है, तो पकड़ो इसको, अरेस्ट करो। क्या खुलासा किया क्या उस बिल्कुल दिन? बिल्कुल। शाम तक तो शिंदे साहब भी कुछ बोले नहीं उसके बारे में, तो वो बोले कि हमारे मन में वो है, गैरत में हो ना हो, ऐसा बोले कि नहीं। तो मतलब पहले दिन उन्होंने तो स्वीकार किया था एक तरह, दूसरे दिन जो पेपर छपवा के और भी एक कर दिया कि भाई गलती हुई थी, ये तो यही हो गया ना कि हाँ, क्योंकि दूसरा क्यों छापा, दूसरा क्यों छापा, और छापा तो छापा, उसमें सिर्फ शिवसेना के मंत्रियों के नाम डाले, बीजेपी का एक भी नहीं, बीजेपी का एक भी नहीं, नड्डा साहब भी नहीं थे। हाँ, अगर का भी नाम पार्टी का ये था तो नड्डा साहब का भी आना चाहिए था उनके साथ साथ। तो आपने अभी मोदी को डालते डालते नड्डा साहब को उड़ा दिया, मतलब पहले फडणवीस को उड़ाया, बाद में नड्डा साहब को उड़ाया, तो नड़ ही रहा है सब, इनको जो भी करने जा रहे हैं वो बैकफायर हो रहा है। कार्यकर्ताओं में असंतोष है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। कल मैंने कृपा शंकर सिंह का मैंने एक डीबी देखा, मैंने कल परसों तक जो है उनका खुद का डीपी था, और कल जो है उनके उनके डीपी में फडणवीस साहब का डीपी आ गया। हाँ, फोटो डाला, फोटो डाला।
तो मतलब लोगों में कुछ ना कुछ नाराजगी है कि भाई फडणवीस साहब को आप अवॉइड नहीं कर सकते। नहीं, अवॉइड करने की बात नहीं, उनको नंबर दो पे भी देखने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नंबर दो पे अवॉइड ही हो गया ना, कंपैरिजन भी सहन करने को तैयार नहीं, फडणवीस साहब को ओवरटेक ही हो गया ना सर। हाँ, तो वो भी सहन करने को तैयार नहीं है। अब मुझे आपका एक अंदाजा चाहिए था कि ये आग मराठी में अपन बोलते पहले दिन खोड़ी कुणी काटली, खोड़ी कुणी काटली, खोड़ी मतलब मालूम है आपको किसने इसमें पहले ये की शरारत की, शरारत इसमें दोनों में से किसने पहले शरारत की ऐसा आपको लगता है बताओ। सर इसको शरारत तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके अंदर बड़ा खेल है सर। वो क्या है? बड़ा खेल ऐसा है कि सर सेंट्रल का खेल लग रहा है मेरे को कि फडणवीस साहब को थोड़ा सा नीचे डाउन करना है, डाउन फॉल करो उनको और यू डू बेटर। तो आपको लगता है सेंट्रल ने उनको बोला होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बिना सेंट्रल की इजाजत सर विज्ञापन छप ही नहीं सकता सर। एजेंसी वाले परमिशन पहले मांगते हैं, आप फोटो आप देखे देखो एड। नहीं ना, मैं कल शिवसेना के नाम से दूंगा थोड़ी छापेंगे, मैं हितो चिंतक को बोलूंगा थोड़ी छापेंगे, बोलेंगे शिवसेना का ऑफिशियल लेटर दो हमको। और हित चिंतक छापेगा तो अपना बकायदा पूरा डिटेल छापेगा। नहीं नहीं, वो नहीं समझो, कभी कभी नहीं छापते वो, ठीक है, मगर शिवसेना का ऑफिशियल लेटर के बिना शिवसेना की एडवर्टाइजमेंट कैसे आएगी? मैं कल दे दूंगा बिल्कुल। हाँ, हर मतलब महाराष्ट्र के पेपर में तो होगा ही, मेरे को लगता है अदर का होगा ना, होगा ना, मतलब देश भर के पेपरों में होगा, महाराष्ट्र का हेडलाइन ही सब जगह। तो बिना सेंट्रल की इजाजत के सर लगता है आपको कि इस तरह का कोई हिम्मत करेगा कि सेंट्रल ने इजाजत दी? तो ये खेल फडणवीस और शिंदे में से नहीं है, ये खेल फिर फडणवीस और मोदी शाह के बीच में है ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। तो फिर महाराष्ट्र के बीजेपी नेता जो है वो एकजुट होके इनके पीछे खड़े हैं, फडणवीस के पीछे, तो क्या वो सेंट्रल से बगावत कर रहे हैं ऐसा आपको लगता है? कुछ भी सर, कुछ भी, मतलब नाराजगी तो जाहिर कर सकते हैं ना, सेंट्रल कुछ भी कहेगा तो, लेकिन उसके ऊपर नाराजगी तो जाहिर कर सकते हैं, हम अपोज नहीं कर सकते, हम अपोज नहीं करते, लेकिन हम अपनी नाराजगी तो जाहिर कर सकते हैं सर, हमको नहीं। अगर ये शिंदे जी ने जो किया जी वो सेंट्रल की मोदी शाह की सम्मति उसमें है जी, तो इस जाहिरात को क्रिटिसाइज करना मतलब मोदी शाह को क्रिटिसाइज करना और फडणवीस के साइड में खड़ा रहना दोनों के संघर्ष में, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जिस तरह से बावन कुड़े जी से लेके सब उनके वो अनिल बोंडे करके उसने तो और भी कुछ ये बोला है, मेंढक कितना भी फूल जाए वो हाथी नहीं हो सकता, तो अगर दिल्ली का इसमें उनको थोड़ा भी झलक लगता था कि दिल्ली वाले भी इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या वो ऐसे रिएक्शन देते? तो उनका तो मानना यही होगा कि दिल्ली इसमें इन्वॉल्व नहीं है जी। कैसे दिखाएंगे कि मैं इन्वॉल्व हूँ, दिखाएंगे कि आप बताइए? नहीं नहीं, मगर अगर उनको लगता भी है कि दिल्ली इन्वॉल्व है आप जैसे बोल रहे हैं तो वो ये प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, क्योंकि उनको फिर मालूम पड़ना चाहिए कि शिंदे साहब के साथ दिल्ली है और फडणवीस साहब के साथ नहीं है, तो हम फडणवीस का साथ देंगे तो दिल्ली के खिलाफ एक तरह से बगावत हो जाएगी। सर देखा जाए, आपने देखा होगा कि भाजपा के किसी भी सभी लोगों को बोला गया है कि इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देना नहीं। बंद हुआ क्या? बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर भी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, महालक्ष्मी में लग रहे, बोरेली में लग रहे, कल्याण डोंबिवली में लग रहे, वहां तो आ रहा है कि 50 और 105 की तुलना नहीं हो सकती, ऐसा भी आ रहा है। तो कार्यकर्ता तो सुबह सुबह मैंने रविंद्र चौहान का भी स्टेटमेंट देखा, मैंने उन्होंने कहा कि भाजपा के बगैर मतलब शिंदे साहब के जो लड़के वहां पर 2014 में 2019 में जो खड़े थे श्रीकांत शिंदे, तो क्या वो अकेले चुन के आए हैं, बिना बीजेपी की सपोर्ट के चुन के आए हैं क्या? कैसे कह सकते हो कि हमारा ही सीट है वो? ठीक है तुम्हारा सीट है, लेकिन बिना हमारे सपोर्ट के आप आ सकते हो क्या? नहीं ना। तो उसके लिए कंप्रोमाइज करना सीखो, कंप्रोमाइज करो, जिद मत करो, ऐसा बोला उन्होंने। ऐसा उन्होंने कहा, हमारा मकसद यही है कि लोकसभा में 48 में से 40 सीट किसी भी हालत में मोदी साहब को चुन के देना है, 40-42 सीट जो भी उनका टारगेट है, 42 मेरे ख्याल से है, मतलब 48 में से 42 चुन के देना है, लेकिन इन झड़ों को जो है ऐसे रखना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करो। तो कॉम्प्रोमाइज करने की बात जब आती है तो कल्याण में श्रीकांत शिंदे है अभी, हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज किसको करना है, बीजेपी को करना है कि शिंदे साहब को करना है? बीजेपी चाहती है कि कल्याण सीट उनको मिले, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे वो? नहीं कर रहे, ये कॉम्प्रोमाइज है, मतलब कॉम्प्रोमाइज कैसा है कि श्रीकांत जी को हटाओ, ये कॉम्प्रोमाइज है? कॉम्प्रोमाइज तो नहीं, लेकिन उनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज है ना। क्या कॉम्प्रोमाइज है? शिंदे को हटाओ, शिंदे को वहां थाना में दे दो। वो भी नहीं बोलते, वो थाना में देने की बात कैसा करती है?
खाना की सीट जो है उसके बारे में भी वो नहीं, खाना की सीट भाजपा कहीं मतलब कहीं जिक्र भी नहीं है कि थाना सीट चाहिए, आपने देखा होगा थाना की सीट के लिए बीजेपी की तरफ से कोई अभी तक कैंडिडेट ही का चेहरा भी नहीं उन्होंने लिया है सामने, ना किसी को मतलब जिक्र किया है कि थाना सीट हमको, तो उनका मेन टारगेट है कल्याण सीट, कल्याण डूंगे बोली कल्याण लोकसभा सीट। थाना में सर गणेश नाइक तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी तो बहुत से लोग कर रहे हैं सर। नहीं नहीं वो मीटिंग लेना शुरू कर दिया कल से उन्होंने नवी मुंबई के साथ साथ, तो थाना के लिए उम्मीदवार बनने की तैयारी। थाना भी अगर महाराष्ट्र में उनको भविष्य नहीं, नहीं, नहीं थाना भी बीजेपी ले लेगी, कल्याण डोंबिवली भी बीजेपी ले लेगी, तो कॉम्प्रोमाइज ये है क्या सिद्धे साहब क्या करेंगे? नहीं ये कॉम्प्रोमाइज होता है, इसमें कॉम्प्रोमाइज क्या है? बिल्कुल नहीं है, ये तो आप सीधा सीधा उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनकी इज्जत के ऊपर है। और सीएम को अगर दो सीट अपने जिले में नहीं, 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 अगर सेफ नहीं तो 40 और 50 को क्या देंगे वो? नहीं नहीं खुद का सीट सेफ नहीं है, तो जो लोकसभा की सीट अगर बात करें तो 12-13 जो उनके आए हैं वो तो अभी से टेंशन में आ गए होंगे, पता नहीं मेरे को टिकट मिलेगा कि नहीं। श्रीकांत शिंदे जी के बारे में आप ऐसा बोलेंगे भाजपा वाले, आपको क्या लगता है ये नेता उनका डिफरेंस नहीं है और कार्यकर्ताओं का है ऐसा लगता है? ये दोनों का है, दोनों का। सबसे बड़ी बात सर इसमें क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से, पहले मत मुंह बंद करो मीडिया के सामने या पेपर प्रेस कंपनी या इन सब चीजों को लेके, सीट को लेके जो लफड़े चालू है इसके ऊपर दोनों तरफ से जो है बयानबाजी बंद होनी चाहिए। पहले नंबर कौन करेगा? दोनों पार्टी कौन दोनों करेगा? पार्टी को ही करना पड़ेगा, करेंगे क्या यही लोग करना पड़ेगा, कौन करेगा? ऊपर से तीसरा कोई आएगा बंद करने के लिए तो नहीं होता है ना, नहीं होता तो ये तो गलत। अभी एक साल होने को आया सर, एक साल में कब बंद हुआ? दूसरे से लड़ते ही रहे, इसका फायदा कौन उठाएगा? नहीं फायदा उठाए वो तो महागाड़ी को भी मालूम था सर, बीजेपी का और शिवसेना का वो उद्धव वाली सेना जो थी तब, वो जब 14 से 19 तक थी तो उद्धव जी हमेशा बोलते थे कि हमें राजीनामे खिसा तो छू, शिंदे साहब ने तो राजीनामा दे ही दिया था स्टेज पे तो ये बात तो उन्होंने छोड़ दी। हाँ तो ये बात तो उनके साथ मेरे को लगता है तो शिंदे साहब के और भाजपा की जो संघर्ष है वो बहुत पुराना है कि नहीं? उन्होंने राजीनामा इनके खिलाफ दिया था ना, वो नगर निगम चुनाव थी कल्याण डोंबिवली, फिर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जो है सत्ता में है और उन्होंने होम मिनिस्टर उनके पास है तो पुलिस फोर्स हमारे खिलाफ लगा दी है, जो अभी आरोप नंदू जोशी के संदर्भ में बीजेपी वाले कर रहे हैं डोंबिवली में। यस सिर्फ इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। सर मेरे को बोलो कि हम दोस्ती की बात करते हैं, एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, हमारा मिलके एक चैनल चलाते हैं, कल अगर जाहिर तौर पे हम दोनों साथ में दिखेंगे लोगों को, और मन में अगर मन मुटाव आ गया किसी वजह से तो वो जीना भी कोई जीना है लल्लू? नहीं नहीं बिल्कुल हा? तो फिर साथ में रहना है लल्लू, साथ में रहना मतलब पार्टनरशिप में क्लास नहीं होना चाहिए। वो क्या होता था कि कॉलेज में हम लव अफेयर करते थे तो लड़की हमेशा हमको दगा देती ही थी तो हम उसी लायक थे उस समय, तो वो बोलती थी कि मी देहाने तुझी नहीं झाले तरी मनाने तुझीच है, तू काळजी करू नको, मी मनाने, मैं बोलता था उल्टा क्यों नहीं करती, तू मन से हस्बंड की हो जाओ मुझे। अभी इधर ऐसा हो रहा है कि ये देह से बाजू बाजू में बैठे हैं, हाँ, और मन दूर है, मन दूर है। सर मेरे को हमेशा लगता है कि जब दिल में दरार आ जाती है ना तो वो मिटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी दोनों एक दूसरे के हर एक मुंह के प्रति संशय से देखेंगे, इनको अभी ऐसा करना चाहिए कि ऐसा समझना चाहिए कि देखिए शिवसेना के बगैर हम पूरी तरह से नहीं आ सकते, हमारे बगैर शिवसेना भी नहीं आ सकती, इसका फायदा तीसरे को न हो ये ध्यान क्यों नहीं रखते ये लोग, क्यों अपने आप को फोड़ दे, क्यों अपने आप को मतलब दूर कर रहे सर, इसका नुकसान तो सब लोकसभा में ही होने वाला है ना, पहले लोकसभा अगर सूझबूझ होती जी तो 2019 सरकार 2019 में सरकार उद्धव को बाजू में रख के उसको महागड़ी की सरकार बनने का मौका ही नहीं देते, उसी समय बोलते थे कि भाई चलो उद्धव जी आप बन जाओ। यस वैसे भी तो वो ढाई साल शिवसेना का ही मुख्यमंत्री है, फडणवीस तो बने ही नहीं, उनके फडणवीस के मुख्यमंत्री के पद के लिए तो सरकार नहीं बनाई। तो सूझबूझ का क्या मामला ऐसा है, ये सूझबूझ बड़े लोगों के पास नहीं रहती है और हम दोनों के पास रहती है या आम आदमी के पास? नुकसान किसने झेला? ये किसने झेला? इन्होंने झेला, उसकी परवाह उन्होंने की? तो बीजेपी को थोड़ा सा अभी नरम बनना चाहिए। क्यों बने? वो बनना चाहिए ना, तभी तो नेशनल लेवल पे। सर देखो किसकी ताकत है ना, वो एरोगेंस में रहती है, ऑफेंसिव में रहती है, और किसकी डिफेंसिव में रहती है, इनके ऑफेंसिव में ही ताकत है। वो तो बोलते हैं ना शत प्रतिशत भाजपा,
मतलब दूसरे को एक टका भी नहीं देने को तैयार, वो 100% हम। मुझे तो लगता है कि सिंबल में बोलेंगे तुम भले ही तुम टिकट लो लेकिन बीजेपी के चिन्ह पे लड़ो। वो तो होने वाला है, वो तो कब का मैं बोल चुका कि लोकसभा लोकसभा में सभी भी इसके शिवसेना के उम्मीदवार बीजेपी के ही टिकट पे खड़े रहेंगे, ये मैं 4-6 महीने से बोल रहा हूँ जी। वो सिद्ध होगा, मगर उसके बावजूद जी बीजेपी का चिन्ह लेने के बावजूद तुम हमारे हो क्या उनके हो, ऐसे जैसे हिंदू धर्म है ना कि तुम हिंदू नहीं बन सकते, तुमको जाति लेनी पड़ती है कि नहीं। वो हिंदू शुद्धिकरण जो होता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है जी कि भाई तुम जाति कौन सी दी इनको, तो अभी वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, उसको शुद्धिकरण करके हिंदू धर्म में लिया तो उसकी पूर्वजों की जो जाति थी एक जमाने में 100 साल 200 साल 500 साल पहले वो जाति उसको देते हैं। वो बोलते फिर वही जाति में रहना था तो हिंदू धर्म में क्यों आने का, वहां तो हमको कोई जाति धर्म का जाति का पूछता नहीं था, इसीलिए तो हमारे पूर्वज वहां गए, जाति व्यवस्था के खिलाफ बंड करने के लिए गए और आप हमको लाके यहाँ पे रखेंगे, हम नहीं वो मानेंगे। फिर उन्होंने कुछ लोगों ने बोला नहीं फिर इनको कोई जाति मत दो, तो बोले फिर शादी और ये सब जो है वो किस में करेंगे हम, वो भी प्रॉब्लम हो गया उनका। फिर बाद में वो बोले कि इनको सबको ब्राह्मण बोलो, वो बोले तुम ब्राह्मण बोलने से ब्राह्मण हमको ब्राह्मण मानेंगे क्या सर, वो इतना साधा विषय नहीं है, वो जाति का धर्मांतरण करके वापिस लाना जी जी। बहुत वो स्वामी ब्रह्मचारी जी थे इधर गोरेगांव मसुराश्रम में, फिर उन्होंने जिंदगी उसमें समर्पित कर दी। तो ये सर ये सब मैं मामले जो बोल रहा हूँ वो वही नहीं मुझे सर, ये लफड़े इनका जो है अगर लंबा चला तो इनका ही नुकसान है, लंबा चलेगा 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 लंबा चलेगा। अभी कैसे है ना, आग का मेन केंद्र जो था वो फडणवीस और शिंदे साहब, वो कितना भी पैचअप करे भी कार्यकर्ता इनके और उनके, आमदार इनके और उनके, खासदार इनके और उनके, पैचअप नहीं करेंगे, वो झगड़ते रहेंगे, झगड़े झगड़ेंगे तो झगड़ेंगे, तीसरा फायदा उठाएगा, अच्छे से फायदा उठाएगा, सब परवाह नहीं। मैं रंडी बनूं मगर तेरे को भी रंडी बनाऊं, रंकी बनाऊं, परवाह नहीं तो 48 सीट को दांव पे लगा देंगे बीजेपी, 48 सीट को दांव पे लगा देंगे। हाँ कुछ भी हो सकता है भाई, देखो ना अपना जितेंद्र और जी हाँ संजय कैसे उछल रहे, उनको आनंद ही आनंद चल रहा है, मेंढक की जैसे। वो बोले हम सोच रहे थे कि इनको गिराने के लिए कष्ट करने पड़ेंगे, वो तो खुद ही गिरा रहे, अपने आप ही गिरा रहे खुद को, क्योंकि सर सरकार स्थिर है ये भावना कल चली। बड़ी बुरी बात क्या हुई, इनका झगड़ा हुआ वो बात नहीं है, क्या है ना उद्धव जी ने संजय ने शरद पवार साहब ने ये सरकार अभी गिरेगी अभी गिरेगी अभी गिरेगी कई बार बोला नहीं जी, जी, जी। अभी अगर इन दोनों का झगड़ा इसी तरह से आ गया लोगों में तो लोग बोलेंगे अरे शरद पवार और इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपस में गिरा देंगे, राष्ट्रपति राजवट आएगी और चुनाव हो जाएंगे लोकसभा, और वो अलग अलग लड़ेंगे, फिर साथ में नहीं लड़ेंगे, फिर वो किसके साथ जाएंगे, शिंदे साहब किसके साथ जाएंगे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उभाठा किसके साथ जाएगी, क्योंकि शिंदे साहब को जैसे इन्होंने अगर बाजू में किया तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस साथ में आके इसको भी बाजू करेंगे, हाँ? तो क्या ये दोनों साथ में आएंगे अभी नहीं सर, पांव पे कुल्हाड़ी मान लेना, अभी सर राहुल नार्वेकर का डिसीजन बाकी है अभी, नहीं नहीं वो तो उसकी मुझे चिंता नहीं, उसकी चिंता नहीं, नहीं उसने बोल दिया ना जबकि ये क्रांतिकारी निर्णय हो गया, एक क्रांतिकारी निर्णय होगा, वांतिकारी निर्णय नहीं होगा, वो क्रांति उसको अभिप्रेत जो क्रांति है वो बीजेपी की क्रांति है, वो कुछ भी बोले असल में उनको बोलना नहीं चाहिए मगर बोले है ना, तो वो क्रांतिकारी निर्णय की वजह से संजय खुश नहीं है, वो बोलता है इनका क्रांति मतलब क्या है वो मालूम है, बोले तू क्रांतिवीर बोलता है ना शिंदे साहब को, वो क्रांति क्या है, वो क्रांति है क्या, वो बोला उल्टा है उन्होंने हमको ये कर दिया, तो ये भी क्रांति जब बोलते है तो उनको ये भी बताना है कि अब तक के पूर्वजों ने जो दिया है सभापतियों ने निर्णय उसमें वो तो उस प्रकार से निर्णय दिया तो वो क्रांति नहीं है, अगर उद्धव की तरफ से दिया हाँ शिंदे साहब की देना ही क्रांति है, तो उन्होंने बोल दिया क्रांति करूंगा मतलब शिंदे साहब की ओर दूंगा, ये इंडिकेट किया जिनके मस्तक में ये इधर बुद्धि है उनको समझ भी गया कि क्रांतिकारक मतलब क्या होता है, उनको बोलना ही नहीं चाहिए, क्रांति करके दिखानी होती है क्रांति ऐसे अभी से बोलना। महाराष्ट्र की जनता यही चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब मिलके जो इस तरह से विकास के कामों में लगे हैं उसी में लगे रहना चाहिए था, ये बयानबाजी पोस्टरबाजी करके सर इन्होंने अपना नुकसान करके लिया है मेरे ख्याल से। मगर दोनों जिम्मेदार है सर, जिम्मेदार दोनों जिम्मेदार है, दोनों मतलब कौन, दोनों पार्टी नहीं बोल रहा हूँ मैं,
दोनों मतलब शिंदे साहब और फडणवीस साहब दोनों जिम्मेदार है, और ये मेरी जानकारी है जो मैं पूरी तरह से जी शेयर जी नहीं कर सकता। बिल्कुल। दोनों ने एक दूसरे को दुखाया है, दोनों का और दो दिल दुखाया और है दो दिन दोनों से ने। तो जो इधर से दोनों दो दिशा में घूम रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा है कि अभी नहीं तक नहीं वो ठीक है, वो अभी पालघर में एक साथ हो जाएंगे। वो तो सर देखो, रंगमंच पे जब नाटक चलता है तो बड़ा सज्जन आदमी भी रावण की भूमिका में जाता है, और रावण की भूमिका करता है रावण जैसी, बाद में दोनों और बड़ा आपस में दुर्जन जो है वो भी राम की भूमिका जा सकता है, मगर फिर भी राम का परिवेश धारण करके राम बन सकता है, भूमिका होती है वो। बिल्कुल, वो तो एक्टिंग है वो। हाँ तो अभी ये तो दोनों क्या अच्छे एक्टिंग, एक्टर इसको हैं एक्टिंग बोलेंगे हम? सर, ये एक्टर है दोनों, ये अमिताभ बच्चन है, वो शशि कपूर है। अभी अरे ये फिर से लफड़ा हो जाएगा कि बड़ा भाई कौन और शशि कपूर कौन, मेरे पास माँ है, ऐसा बोलने वाला जो शशि कपूर है वो क्या एकनाथ शिंदे है क्या, और अमिताभ बच्चन जो है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, ये है वो है, वो देवेंद्र करने वाले फडणवीस। फडणवीस है क्या, वो भी चक्कर एक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटा भाई जो है उसकी जीत होती है दीवार में पिक्चर में, और अमिताभ बच्चन जो बड़ा भाई है उसकी हार होती है, तो क्या दीवार का ये नया वर्जन राजनीति रंगभूमि पे आ रहा है, के मेरे बाद पास माँ है, मेरे पास मुख्यमंत्री पद है, ऐसा कुछ हो रहा मेरे पास प्रधानमंत्री है है। अभी कैसे है ना कि प्रधानमंत्री जब तक मुंह नहीं खोलते हैं और बोलते नहीं कि मैं इसके साथ हूँ इसके साथ, जो कभी बोलेंगे नहीं, मगर अगर ये एडवर्टाइजमेंट में उनकी परमिशन से उनका फोटो डाला है प्रधानमंत्री जी का, हाँ तो अलग मैसेज है, और बिना पूछे उनको ये हितचिंतक नाम का जो हित शत्रु है उसने डाला है, जिसका नाम सर अभी किसी मोमेंट पर आ नहीं जाएगा, आएगा सर, नहीं आएगा। सिर्फ मीडिया वाले देंगे, ये कहाँ बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, मगर मीडिया के पास एजेंसी का रिपोर्ट है, मतलब आरओ है, और उसमें क्लाइंट का नाम है, तो वो भी दे सकते हैं क्यों सर, नहीं आ वो रहा है? लीक 2 दिन तो हो गया सर, आना सर चाहिए इन दोनों के दबाव में दिया नहीं है, क्योंकि अभी तक कल तक ये तो बोले भी नहीं थे कि था। हितचिंतक हमारा नहीं है, जी तब तक बोले नहीं, अभी बोले हैं, तो अभी उनका ये शंभुराजी देसाई तो मेरे ख्याल से होम का कुछ है ना, हाँ है ना। हाँ तो उनको तो पुलिस को पीछे लगा के देखना चाहिए कि ये हित शत्रु कौन है हितचिंतक के नाम से, जिसने बाला साहब का नहीं फोटो डाला, धर्मेंद्र का नीतीश फोटो नहीं नीतीश डाला, राणे ने बोला है ना कि क्या। हमारे यूटी में भी कोई एक संजय राउत है जो ये सब करवा रहा है, हाँ ढूंढ कर बस ढूंढना संजय पड़ेगा। राउत ऐसा पैसा देके डायवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं देता है, फुकट में आता है वो, और 15 मिनट का टाइम लेता है बराबर। जी सर। ये आत्मघातकी कदम हो गया बीजेपी और शिवसेना के कुल लिए मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि ये दोनों के लिए नुकसान वाली जो है, दोनों सर, दोनों डेंजर जोन में गए डेंजर जोन अभी, चले गए। बहुत अच्छा चल रहा था, बिल्कुल दृष्ट बिल्कुल। लग गई, दृष्ट दृष्ट मराठी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या, दृष्टि नजर नजर लग गई, नहीं नहीं दृष्टि दृष्टि नहीं, बोलते हैं, नजर 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 लग गई, नजर लग गई। ये नजर किसने लगा है उसको भी ढूंढना पड़ेगा। वो हितचिंतक। तो फ्रेंड्स, आप क्या मानते हैं इस लड़ाई को? आप मेरी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज जो है राजनीतिक खबरों, खास महाराष्ट्र सहित पूरे देश की राजनीतिक खबरों को हम जो है मेरा भी आपके सामने अनिल चर्चा सत्य करते रहते हैं। गगनभेदी में रोज एक कम से कम वीडियो आता है, मगर शुरू हुआ है अभी, वो भी देखते रहिए। तो राजनीतिक विश्लेषण जो है, जो हम बताते हैं वो शायद कोई नहीं बताता होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।